श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शको हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज क्या करूं में। श्री शिवाय हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूँ कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जमके बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आमले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो ये निश्चित है। अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, मासिक शिवरात्रि का प्रदोष का बड़ा विशेष महत्व होता है। आप इस उपाय को दर्शकों मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दर्शकों, मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में नहा धोकर स्वच्छ होकर आप 3 जगह पे 3 दीपदान अवश्य करिएगा। आटे का भी आप दीपक बना सकते हैं और कच्ची मिट्टी का भी दीपक आप ले सकते हैं। दीपक आप बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आटे में आपको नमक नहीं मिलाना है। 3 दीपक आप पूजा स्थल पर अपने घर के प्रदोष काल में तैयार करिएगा और तीनों दीपक में आपको घी भरना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पहला दीपक दर्शकों आपके आसपास जो भगवान शंकर जी की मंदिर हो उस मंदिर की चौखट पे रखिएगा। दूसरा दीपक दर्शकों आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान नारायण का वास होता है। ऐसे में जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करता है उसके घर में माता लक्ष्मी अस्थाई रूप से वास करती हैं। तीसरा दीपक दर्श को आपको प्रज्वलित करना है बेल के वृक्ष के नीचे। बेल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी आके वास करती हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन, सोमवार के दिन दीप प्रज्वलित करता है उसके घर में कभी धन की समस्या नहीं होती है। उसके घर में अथाह धन होता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद उस घर पे सदैव बनाए रहती हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।